Good noon to you all. देखें, आज से हम लोग 66 BPSC PT के लिए करेंट के क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लासेज रोशन सर के नेतृत्व में होने हैं। इन क्लासेज में मेरी भूमिका सहयोगी की होनी है और हमारी कोशिश होगी कि इस क्लासेज को अगले 10 दिनों तक BPSC के प्रश्नों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। साथ ही क्लास की रोचकता भी बनी रहे, उपयोगिता और रोचकता इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए चलना है। तो अगर BPSC करेंट सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो इस करेंट को कई पार्टों में बांटकर देखे जाने की जरूरत है। जैसे एक डायमेंशन आपको होगा नेशनल करेंट, दूसरा डायमेंशन होगा इंटरनेशनल करेंट, अगर नेशनल करंट के डायमेंशन को इंडिकेट करें तो पॉलिटी रिलेटेड, अगर नेशनल करंट के डायमेंशन को इंडिकेट करें तो इकोनॉमी रिलेटेड, अगर नेशनल करंट की हम चर्चा करें तो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड करेंट, और चौथा डायमेंशन अगर करूं तो प्योरली GK नेचर वाले करेंट। ठीक उसी प्रकार इंटरनेशनल करेंट को भी देखें तो खेल पुरस्कार, नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और प्रमुख घटनाएं चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, इतने एंगल से इस करंट को देखे जाने की जरूरत है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें तो आज स्पेशली मैं, चूंकि ये क्लासेज प्योरली PT ओरिएंटेड है, इसलिए हमारी कोशिश PT के डिसिप्लिन को मेंटेन करने की होगी। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आपने गौर किया होगा तो आप यह पाएंगे कि कई बार आप देखेंगे कि करंट से जो प्रश्न पूछे जा रहे वो कुछ प्रश्न कंसेप्चुअल नेचर के भी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी, एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं।
ऐसी स्थिति में जो पांच टॉपिक मैं आपके साथ पिक करने जा रहा, पहला टॉपिक मैं पिक करने जा रहा हूं पर कैपिटा इनकम को लेकर जो विवाद उभर कर सामने आया अक्टूबर में भारत और बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम को लेकर, तो उस विवाद के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले डायमेंशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा कंटेक्स्ट हमारा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिस्कस करने के क्रम में उसके मेजर कंपोनेंट पर एक नजर हम दोहराएंगे और भारत के स्थान जो है वो क्यों दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान के बाद सबसे नीचे हैं। तीसरा हम पिक करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। चौथा हम यूज करेंगे वही होलसेल प्राइस इंडेक्स और पांचवा जो हम पिक करेंगे टॉपिक वह हमारा होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये पांच टॉपिक मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद रोशन सर के साथ आपकी चर्चा होगी। तो इशू अब मैं उठा रहा हूं भारत और बांग्लादेश। देखें भारत का बांग्लादेश से पिछड़ने का अनुमान, भारत के बांग्लादेश से पिछड़ने के अनुमान, और ये अनुमान है आईएमएफ के और संदर्भ है पर कैपिटा इनकम का संदर्भ। आईएमएफ की जो रिसेंट रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिसेंट रिपोर्ट क्या बतलाती है? तो आईएमएफ की रिसेंट रिपोर्ट यह बतलाती है कि 2020 में भारत का पर कैपिटा इनकम, ये 2020 के संदर्भ में अनुमान है, इसका कहना है कि भारत का पर कैपिटा इनकम 1877 अमेरिकी डॉलर होगा और बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम जो होगा वह 1888 अमेरिकी डॉलर और इस तरह से भारत बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम के मामले में पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। और यह 1991 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पहली बार भारत 1991 में बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम के मामले में पिछड़ा था और दूसरी बार भारत के 2020 में पर कैपिटा इनकम के मामले में पिछड़ने की संभावना है। और आईएमएफ की रिपोर्ट जो है इसके बारे में कारण क्या बतलाती है? तो आईएमएफ की रिपोर्ट बतलाती है कि इसका प्राथमिक कारण है कोविड संकट, क्योंकि इस कोविड संकट के कारण जो है भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है -10.3% अगर भारत के कंटेक्स में देखें तो
तो भारत में -10.3% गिरावट, जबकि बांग्लादेश के कंटेक्स में अगर हम देखें तो बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में 3.8% की वृद्धि की संभावना है। और यह बात की जा रही है आर्थिक समृद्धि दर के संदर्भ। और अगर आपको ध्यान हो तो इस रिपोर्ट आईएमएफ के इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा होता है, और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर के सरकार को घेरने की कोशिशें तेज हो जाती। फैक्चुअल फिगर आपके पास यही है, और अगर इस फैक्चुअल फिगर के कंटेक्स में आप देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि केवल इंफॉर्मेशन हमें नहीं डिस्कस करना है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि प्रश्न कंसेप्ट पर भी उठाकर पूछे जा सकते। अब सवाल यह उठता कि क्या यह तुलना उचित है? आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत और बांग्लादेश का की तुलना पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो की गई है, क्या यह तुलना उचित है? तो एट फर्स्ट ग्लांस देखें तो यह तुलना उचित नहीं प्रतीत होती, और यह तुलना उचित इसलिए प्रतीत नहीं होती कि यह जो आईएमएफ की रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन कर रही है, उस आकलन का आधार क्या है? बाजार प्रचलित विनिमय दर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस विनिमय दर का प्रचलन है, उस विनिमय दर के आधार पर ऐसा किया जा रहा, और यह जो विनिमय दर है वह चालू कीमत को आधार बनाती है। अब अगर इसके कंटेक्स में देखें, यह वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। वास्तविक स्थिति को इसलिए नहीं दर्शाता है क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें मुद्रा अस्फीति के प्रभाव को समायोजित नहीं किया गया है। मुद्रा अस्फीति के प्रभाव को समायोजित किया जाता है किसके आधार पर? तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी यह क्या करता है, यह कैसे प्राप्त होता? तो बाजार दर को मुद्रा अस्फीति के प्रभाव के साथ, मुद्रा अस्फीति महंगाई समायोजित करने पर प्राप्त होता है। और अगर पीपीपी के आधार पर देखें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 6,284 अमेरिकी डॉलर, यह भारत की प्रति व्यक्ति आय है, पीसीआई है पीपीपी के आधार पर, जबकि बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो बांग्लादेश के संदर्भ में यह प्रति व्यक्ति आय जो है 5,139 अमेरिकी डॉलर। मतलब यह कि अगर हम क्रय शक्ति समता के आलोक में देखें तो क्रय शक्ति समता के आलोक में भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय से अलग है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में 1888 अमेरिकी डॉलर से जितने सामान खरीदे जा सकते, उससे ज्यादा सामान जो है भारत में 1877 अमेरिकी डॉलर से खरीदे जा सकते, क्योंकि
भारत के कंटेक्स में देखें तो मुद्रा की परचेजिंग पावर बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा है और इसके कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश की तुलना भारत में अपेक्षाकृत कम है। तो एक तो तुलना उचित इसलिए नहीं है कि क्रय शक्ति समता के आलोक में भारत बेहतर स्थिति में है, दूसरा कंटेक्स अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स हम क्या पाते, जीडीपी के साइज के हिसाब से भी देखें तो जीडीपी की दृष्टि से भी तुलना उचित नहीं है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते, भारत की जीडीपी बांग्लादेश की तुलना ग्यारह गुनी है, अर्थात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वैसी 11 अर्थव्यवस्थाओं को भारत अपने भीतर समाहित करता है, नंबर वन। नंबर टू नेक्स्ट अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो कहते प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे होता, तब प्रति व्यक्ति आय जो है इसका आकलन हम करते कि कुल जीडीपी कुल जीएनपी इसमें अर्थात सकल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते सकल निवल राष्ट्रीय आय में अर्थात एनएनपी में जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय किसी की बेहतर भी है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो उस स्थिति में पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और राष्ट्रीय आय अगर कम भी है और जनसंख्या राष्ट्रीय आय कम भी है और जनसंख्या अपेक्षाकृत ज्यादा कम है तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगा। तो अगर भारत के कंटेक्स में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है बड़ा देश है, और उतना ही नहीं अगर जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में बात करें तो पिछले डेढ़ दशक में भारत की जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि भारत की जनसंख्या में 21% की वृद्धि दिखाई पड़ती, जबकि पिछले डेढ़ दशक में बांग्लादेश की जनसंख्या में 18% की वृद्धि दिखाई पड़ती। इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रीय आय पर जनसंख्या वृद्धि के कारण जो दबाव उत्पन्न हुआ है वह दबाव बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय पर जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न दबाव की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। तीसरा अगर इसके कंटेक्स्ट में आप देखें तो तीसरी स्थिति जो इसके कंटेक्स में दिखाई पड़ती 2017 के बाद से भारत बांग्लादेश के सापेक्ष क्या आप पाते, तो भारत जो है 2017 के बाद से आप देखेंगे भारत इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर बढ़ता है, एक ओर भारत इकोनॉमिक स्लोडाउन की ओर बढ़ता, दूसरी ओर बांग्लादेश को अगर आप देखें तो बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के मोर्चे पर
बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बेहतर होता है। इसके कारण क्या होता, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो गैप था वो गैप कम हो, गैप जो है निरंतर कम होता चला जाता। और रहा सह काम किसने पूरा कर दिया, कोविड संकट ने पूरा कर दिया। क्योंकि कोविड संकट से बांग्लादेश की तुलना में भारत कहीं अधिक प्रभावित रहा है। नहीं तो अगर आप ऊपर जो पर कैपिटा इनकम का हमने बतलाया, एक और निवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर भी इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण कमजोर पड़ी। अब उसका ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी के कारण इसको माने, या अब इसका कारण आप नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गतिरोध उत्पन्न किया उसको माने, जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गतिरोध उत्पन्न किया उसको माने, कोविड संकट और लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गतिरोध उत्पन्न किया उसको मान, दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि दर तेज रही और इसके कारण भारत बांग्लादेश के बीच गैप ये कम होता दिखाई पड़ता। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में भारत के बांग्लादेश से पिछड़ने की घटना को देखा जाना चाहिए। यहां पर कुछ छोटी छोटी सूचनाएं मैं आपको और देना चाहूंगा। वो छोटी छोटी सूचनाएं क्या हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी की जो संकल्पना है इसको नोट डाउन कर लें। यहां जिस पीपीपी की हम बात कर रहे, कहां परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे, इस संकल्पना को 1993 में आईएमएफ ने प्रस्तुत किया था और बाद में इसको विश्व बैंक ने भी स्वीकार किया। यह पहला महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। दूसरा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसके कंटेक्स्ट में यह है कि मई 2020 में पीपीपी के लिए ২০১৭ को आधार वर्ष बनाया गया। तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि क्रय शक्ति समता का के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसके लिए किस वर्ष को आधार बनाया जाता था। इसका आंसर होगा 2017, 2017 के पहले अर्थात मई 2020 के पहले 2011 को आधार बनाया जाता था। क्लियर, यहां तक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है पूछ लें। बढ़ूं आगे, ब्लैकबोर्ड वर्क ग्रुप में डाल दूंगा। आगे बढ़ूं, कुछ हाँ ना बोलेंगे ना। क्या अभिषेक जी, आगे बढ़ूं? तब प्रश्न अगर यह पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय किन चीजों पर निर्भर करता है, नहीं तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह एक और जीडीपी पर निर्भर करता, उसी को स्पेसिफिक और हो जाएंगे तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करता, तो दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या पर निर्भर करता।
परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब समझते हैं या नहीं, जल्दी बोले। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब समझते हैं? पटना में अगर आलू खरीदें तो क्या बोरिंग रोड में आलू का रेट वही है जो आलू का रेट आपको सैदपुर में या बाजार समिति में मिलेगा या अलग अलग, जल्दी बोलते चलें। अलग अलग। कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है? बाजार समिति में कम है और बोरिंग रोड में ज्यादा है। क्यों? तो बाजार समिति के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम है, उनकी आय कम है, इसके कारण परचेजिंग पावर कम है। जबकि बोरिंग रोड में रहने वाले की परचेजिंग पावर, आय ज्यादा है इसलिए परचेजिंग पावर ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि बोरिंग रोड में रुपये की क्रय क्षमता कम है और बाजार समिति में रुपये की क्रय क्षमता क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है। रुपये की क्रय क्षमता जब ज्यादा होगी तो आप अपेक्षाकृत कम जीवन, कम आय में भी बेहतर जिंदगी व्यतीत करने की स्थिति में होंगे, और रुपये की क्रय क्षमता कम होगी तो सामान्य जिंदगी जीने के लिए भी आपको बेहतर, मतलब अधिक खर्च करने होंगे। तो जब बोरिंग रोड और बाजार समिति के कॉस्ट ऑफ लिविंग और रुपये के परचेजिंग पावर के बीच एक पैरिटी कायम करेंगे तो एक मोटा मोटी आप लेकर के चलें, अगर 1,000 रुपया बाजार समिति में रहने का खर्च है तो पता चलता 1,200 रुपया बोरिंग रोड में खर्च करना पड़ेगा वही जीवन जीने के लिए। तो इसी आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी कायम की जाती है। क्लियर? नंबर टू, दूसरा बिंदु जो है वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जारी किए गए हैं तो उसमें देखेंगे भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान 94th है, 94th स्थान है। और ये 94th स्थान जो है वह कितने देशों में है? तो 94th स्थान जो है 107 देशों में है। ये 2020 की बात बतला रहा हूं, और 2019 में जाकर के देखें तो 2019 में भारत का स्थान 102वां था, लेकिन देशों की संख्या कितनी थी? देशों की संख्या 117 थी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो दक्षिण एशिया में भारत अफगानिस्तान के बाद सबसे नीचे है। दक्षिण एशिया में भारत अफगानिस्तान के बाद सबसे नीचे है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गौर करें तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका जो है वह 64वें स्थान पर है। बांग्लादेश आप देखें तो बांग्लादेश जो है वह नेपाल 73वें स्थान पर है। बांग्लादेश अगर आप देखें तो बांग्लादेश 75वें स्थान पर है। म्यांमार जो है, पाकिस्तान जो, म्यांमार जो है, म्यांमार दक्षिण एशिया में नहीं आता, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, वह 78वें स्थान पर है। और पाकिस्तान जो है वह 88वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों में अगर आप देखें तो ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है।
चीन 25वें स्थान पर है और भारत 94वें स्थान पर है, सबसे नीचे। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ये जो जारी किया जाता है ग्रीन मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 2006 में देखें IFPRI के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया, लेकिन 2019 से 2019 से यह जो जारी किया जा रहा है आयरलैंड की संस्थाएं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हाई लाइफ वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा यह संयुक्त रूप से जारी किया जाता। यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसके चार कंपोनेंट हैं, चार कारक हैं। जैसे अगर आप देखें तो अल्प पोषण है, कुपोषण जिसको कहते हैं, अल्प पोषण है, माल नॉरिशमेंट, अल्प लंबाई है, उसके बाद अल्प वजन है, और चौथा कंपोनेंट जो है वो है चाइल्ड मृत्यु बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर के लिए अंग्रेजी में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यूज होता, अल्प वजन के लिए चाइल्ड वेस्टिंग यूज होता, और अल्प वजन का आकलन किसके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है तो लंबाई के अनुपात में, और अल्प लंबाई के लिए अंग्रेजी में टर्म यूज किया जाता चाइल्ड स्टंटिंग, और इसका आकलन किया जाता है आयु के अनुपात में। और अल्प पोषण जो है अंडर नॉरिशमेंट, अगर इनमें देखें तो भारत की स्थिति जो है इतनी जो खराब है उसका मूल कारण है अल्प वजन, चाइल्ड वेस्टिंग। अदरवाइज तीन कारण जो हैं, अर्थात इन तीनों के संदर्भ में भारत की स्थिति में सुधार दिखाई पड़ती है। लेकिन एक और चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, एक और चीज यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत के जिस स्थान की चर्चा की तो उनमें अगर आप देखें तो भारत का पॉइंट टेबल में पॉइंट में सुधार है, क्योंकि 2019 में अगर आप जाकर के देखें तो 2019 में भारत के जो पॉइंट आपको थे वो 30.3 थे, तो 30.3 से सुधर कर 27.2 अंक हो गया। ये 30.3 था 2019 में, 27.2 हो गया 2020 में। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जीरो जो है भूख से पूर्णतः मुक्ति की स्थिति को दर्शाता है,
और 100 जो है पूर्ण भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, व्यवहार में ना तो जीरो कभी संभव होगा और ना ही व्यवहार में कभी 100 की स्थिति संभव होगी, वो आइडियल स्थिति है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये जो है यह आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाने की संभावना बन सकती है। बढ़ूं आगे, जस्ट ए मिनट। चलिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों देखें। अब आपकी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब अगर आपकी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है तो मैं यह सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगातार पलटे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से गेन आप करेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमें कवर करना है, वह तीसरा टॉपिक हमें कवर करना है वह है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन से जुड़ी हुई जानकारियां आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हैं? तो अगर आप देखें ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी किया जाता है, सामान्य सूचनाएं इसकी महत्वपूर्ण हैं। मई 2017 में इसमें बदलाव किया गया और बदलाव करते हुए नया आधार वर्ष के रूप में किसको स्वीकार किया गया? 2011-12 को नए आधार वर्ष के रूप में यहां पर स्वीकार किया गया है। और यह सूचकांक जो जारी किया जाता है वह मासिक आधार पर जारी किया जाता है और यह वह सूचकांक है जो कि आपको क्या दर्शाता है? औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में जो वास्तविक स्थिति है, तो औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में वास्तविक स्थिति को यह दर्शाता हुआ आता। अगर इसके डिफरेंट मदों को देखें तो आप देखेंगे प्रमुख मद, तो इनमें आप देखेंगे तीन मेजर कंपोनेंट हैं। माइनिंग, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, और इलेक्ट्रिसिटी। नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जिसको मई 2017 में स्वीकार किया गया, और यह ध्यान रखेंगे यह जारी किसके द्वारा किया जाता, प्रश्न इसी तरह के उठा करके पूछे जाएंगे, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, इसको जारी किया जाता है। तो इसमें माइनिंग का जो वेटेज दिया गया है 14.373%, पिछले औद्योगिक उत्पादन की तुलना में
अगर आप देखें तो इसका जो वेटेज है, इस माइनिंग के वेटेज को बढ़ाया गया है। विनिर्माण का वेटेज जो है 77.633% है। पिछले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में विनिर्माण के भी वेटेज को बढ़ाया गया है और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके वेटेज जो है वो 7.994 है, इसके वेटेज को घटाया गया है। अगर आप देखें तो इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल 809 मदों को 809 मदों को कितने समूहों में, तो 407 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जिनमें 405 मद समूह विनिर्माण से संबंधित हैं, एक मद समूह जो है आपको माइनिंग से संबंधित है, एक मद समूह जो है तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुल 407 समूहों में इनको वर्गीकृत किया गया है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसमें कोर इंडस्ट्री की भी संकल्पना है। हिंदी में इसके लिए टर्म यूज होता है आधारभूत उद्योग। कुल 8 उद्योग हैं, कुल 8 उद्योग हैं जिनको आधारभूत उद्योग कहा जाता, और इन आधारभूत उद्योगों को ईंधन संवर्ग और गैर ईंधन संवर्ग में रखा जाता। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ईंधन संवर्ग में हम किनको रखेंगे, कोयला को रखेंगे, क्रूड ऑयल को रखेंगे, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस को रखेंगे, रिफाइनरी उत्पाद को रखेंगे। अगेन आप देखें इलेक्ट्रिसिटी को रखेंगे, अर्थात 8 उद्योगों में 5 औद्योगिक मद जो 5 उद्योग जो हैं आधारभूत उद्योग ईंधन संवर्ग में आते, और 3 आधारभूत उद्योग जो हैं गैर ईंधन संवर्ग में आते हैं, जिनमें आपको सीमेंट है, जिनमें आपको इस्पात है, सीमेंट है, इस्पात है और फर्टिलाइजर है। यहां से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न इसी के दायरे से पूछे जाएंगे, इसके बाहर से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? जस्ट ए मिनट। आप यूपीएससी का भी देखेंगे, आधार वर्ष पर प्रश्न पूछा जा सकता, किस मद का भारांश ज्यादा है यह प्रश्न पूछा जा सकता, किस आधार पर जारी किया जाता, किसके द्वारा जारी किया जाता है यह पूछा जा सकता, कोर इंडस्ट्री के सब्जेक्ट से उठा करके पूछा जा सकता, मदों के भारांश में क्या परिवर्तन हुआ है, कौन बढ़ा है कौन घटा है, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता। चलें, अब जो हमें डिस्कस करना है, तीन चीजों को मैं डिस्कस कर चुका, चौथी चीज को की ओर मैं लौटूंगा,
मुझे CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके साथ डिस्कस करना है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ हमें आपके साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स को डिस्कस करना है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर CPI या WPI के जरिए मापा जाता है किसको? तो मुद्रास्फीति को मापा जाता। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इन्फ्लेशन, और सामान्य शब्दावली में क्या कहते हैं? महंगाई। महंगाई तो अगर आप देखें, एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जिस चार्ट के जरिए मुद्रास्फीति के जो विभिन्न रूप हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते। मुद्रास्फीति चार्ट, इन्फ्लेशन चार्ट नहीं, और बस इस चार्ट को पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इस चार्ट को पढ़ने के तरीके से आप परिचित हैं, उस स्थिति में आप बेहतर रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। नहीं, प्रश्न जो उभर कर आता, नहीं, बाजार कारक, मार्केट फैक्टर अंग्रेजी में कहते, और बाजार कारक में हम चर्चा करते डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा कारक क्या है? सरकारी हस्तक्षेप। नहीं, एक तरफ परिवर्तन की चर्चा करें, दूसरी तरफ परिवर्तन के कारण की चर्चा करें। नहीं, कीमत में वृद्धि, और कीमत में वृद्धि का मतलब क्या हुआ? रुपए की क्रय क्षमता में कमी, और कीमत में कमी इसका मतलब हुआ रुपए की क्रय क्षमता में वृद्धि। नहीं, यहां क्रम संख्या कर देता, अर्थात मुद्रास्फीति की दो स्थितियां हो सकती। एक, महंगाई बढ़ रही हो, कीमतों में वृद्धि हो रही हो, और दूसरी स्थिति हो सकती है कीमतों में कमी हो रही हो, अर्थात महंगाई कम हो रही हो। अब अगर इस स्थिति में देखें तो इन्फ्लेशन रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन रिफ्लेशन, डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन। और ये ध्यान रखेंगे, ज्यादा बेहतर है अंग्रेजी के टर्म को ध्यान में रखें, हिंदी वाले में कंफ्यूजन की स्थिति होगी। यद्यपि इन्फ्लेशन के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल होता वह है मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल होता है वह है मुद्रा संस्फीति।
डिसइन्फ्लेशन के लिए, डिफ्लेशन के लिए जिस टर्म का यूज होता है वो टर्म है मुद्रा अपस्फीति, और डिसफ्लेशन के लिए, डिसइन्फ्लेशन के लिए अवस्फीति। अब इस चार्ट को पढ़ना सीखें, ठीक है। यदि गौर करेंगे, यदि कीमतों में वृद्धि बाजार कारकों के कारण हो रही हो, यदि कीमतों में वृद्धि बाजार कारकों के कारण हो रही हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशन की स्थिति। अर्थात मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण बाजार की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो वह स्थिति जो है क्या कहलाएगी? या तो इन्फ्लेशन की स्थिति कहलाएगी या वह स्थिति आपको डिफ्लेशन की स्थिति कहलाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उसकी आपूर्ति कम होगी तो मांग और आपूर्ति का संतुलन जो है मांग के पक्ष में होगा और ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि होगी, वह वृद्धि इन्फ्लेशन कहलाती है। जबकि यदि मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा हो, जैसे लॉकडाउन के क्रम में आप देखेंगे कि स्थिति यहां तक पैदा हो गई कि 2-2 रुपए किलो परवल उपलब्ध बाजार में हो रहा था, जो परवल लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति में 25-30 रुपए किलो उपलब्ध था। क्यों? तो ट्रांसपोर्टेशन के बंद होने के कारण जहां पर परवल का उत्पादन होता था वहां पर परवल की उपलब्धता बढ़ गई, मांग उस हिसाब से नहीं थी, जिसके कारण आप देखेंगे कीमतों में गिरावट की स्थिति दिखाई पड़ती। तो जब आपूर्ति ज्यादा होगी मांग कम होगी तो उस स्थिति में कीमतों में कमी आएगी, और चूंकि कीमतों में यह कमी मांग और आपूर्ति के असंतुलन का परिणाम है, बाजार कारकों का परिणाम है, इसलिए यह स्थिति डिफ्लेशन कहलाएगी। लेकिन यदि कीमतों में वृद्धि सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो, कीमतों में वृद्धि सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? रिफ्लेशन कहलाती है। कई बार अर्थव्यवस्था, कई बार सरकार खुद जो है उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कीमतों को बढ़ाने की दिशा में पहल करती है ताकि कीमतें बढ़ेंगी तो उत्पादक को लाभ होगा, उत्पादक को लाभ होगा तो उत्पादक उत्पादन हेतु प्रेरित होंगे। अक्सर ऐसा मंदी की स्थिति में किया जाता है। तो वह स्थिति जो है रिफ्लेशन की स्थिति कहलाती है, जब सरकारी हस्तक्षेप के जरिए कीमतें बढ़ाई जाएं। और जब कीमतों में कमी सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो तो वह स्थिति डिसइन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रा अवस्फीति कहलाती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट है क्या? किसी भी प्रकार का डाउट अगर है पूछ ले। तो कई बार आप देखेंगे बीपीएससी में, ज्यादा तो ट्रेंड नहीं है, यूपीएससी में यह ट्रेंड है, लेकिन बीपीएससी में कई बार आप देखेंगे जो ट्रेंड दिखाई पड़ता वह यह कि अगर इकोनॉमी सेक्शन से 20 से 22 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 2-3 टर्म हैं जो तकनीकी शब्दावलियों से पूछे जाते, पारिभाषिक शब्दावलियों से पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा है तो उस स्थिति में हमें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। क्लियर? तब आज मैं यही छोड़ूंगा। रोशन सर इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, कल हम CPI, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर चर्चा करेंगे और कुछ और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आज का जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, टेलीग्राम लिंक पर जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां से आप पिक कर लेंगे। ओके, कोई प्रश्न है यहां तक में?
क्या 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 थोड़ा सा जोर से बोले, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अरे सिंपल, इस चार्ट को पढ़े ना, कीमत में वृद्धि या तो इन्फ्लेशन कहलाएगी या रिफ्लेशन कहलाएगी। कीमत में वृद्धि इन्फ्लेशन तब कहलाएगी जब डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंसेज क्रिएट होगा, अर्थात डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा। तो चूंकि मार्केट फैक्टर के कारण, बाजार कारकों के कारण कीमत में वृद्धि हो रही है, इसलिए यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाएगी। यदि कीमत में वृद्धि सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम है और सरकार हस्तक्षेप करेगी मंदी से बाहर निकलने के लिए, उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, तो उस स्थिति में जो सरकारी हस्तक्षेप के कारण कीमत में वृद्धि होगी वह रिफ्लेशन कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर डिमांड कम होगा, कीमत में कमी दो स्थितियों में होगी, और कीमत में कमी या तो डिफ्लेशन कहलाएगी या डिसइन्फ्लेशन कहलाएगी। यदि डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंसेज के कारण कीमत में कमी आ रही है तो वह डिफ्लेशन कहलाएगी, और यदि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस, अर्थात कई बार महंगाई जब बहुत बढ़ती है तो सरकार क्या करती है, कीमतों को नीचे लाने की दिशा में पहल करती है, हस्तक्षेप करती है, तो वह स्थिति डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, अच्छा किया ये प्रश्न पूछ दिया। कोई भी अर्थव्यवस्था ये ध्यान रखेंगे, जो खुली अर्थव्यवस्था होगी, जो बाजार अर्थव्यवस्था होगी, उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। और अगर आप देखें जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगी, या इसको कह लें समाजवादी अर्थव्यवस्था, चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, तो जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगी, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आपको सरकारी हस्तक्षेप की संभावना होगी। खुली अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की संभावना नहीं होती। क्लियर? तो आज यहीं तक रहने दें, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम।